कल रात को यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। लोग आज भी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो ऐसे तीर्थ ऐसे मंदिरों को भी नहीं छोड़ते। एक चोरी हो गई, यानी कि कम से कम 3-3.5 लाख की चोरी हो गई होगी, सही है मान? कम से कम तो हर हर महादेव, जय सिया राम, गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी कल की नाइट था, मैं ये हाईवे पे होटल है वहीं भी मैं रुका हुआ था और मैं निकला था ये अपने गुरुद्वारा से। गुरुद्वारा से यहाँ तक कितना किलोमीटर हुआ वो तो मैंने देखा नहीं, लेकिन अभी यहाँ से आगे की यात्रा जो है, यहाँ से पाली 50 किलोमीटर दूर है, देखती है कितना खींच पाता हूँ मैं। 30 या तो फिर 35 तो हो जाएगा आज, बाकी का जो रहेगा वो परसों देख लेंगे। और अभी हम नहा धो के रेडी हो गए, हमारा बैग भी बिल्कुल रेडी है, ये बैग भी ओके। और बस होटल कुछ बाहर से ऐसा था, बिल्कुल हाईवे पे ही है। और चलो अभी यहाँ से अलविदा कहते हैं और निकलते हैं अपनी अगली यात्रा के लिए। चलो भाई निकलते हैं। हर रोज बोलता हूँ कि जल्दी सुबह निकलना। एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ जो मैं जल्दी निकला होऊंगा, क्योंकि रात को 3-4 बज जाते हैं सोने में। और ये रेस्टोरेंट ऐसा था कुछ, ये रिसेप्शन एरिया। चलो अभी मांगी भैया से मिलते हैं, जो कि ये मांगी भैया कल रात से पूरे होटल के में मतलब सेवा में ही थे। अभी मिलवाता हूँ मैं आपको। और ये जो बैठे हैं ये खुद मांगी भैया है, जो कि कल रात से ही सेवा में है। और रात को मतलब कि लगा नहीं कि किसी हाईवे पर, ऐसा लगा कि किसी के घर पे रुका हुआ हूँ। तो चलो भैया अभी यहाँ से जो आगे की यात्रा है, आज की कितनी रहेगी ये तो पता नहीं, लेकिन जितना हो सके उतना आज हम खींच लेंगे, क्योंकि पाली तक शायद पहुँच जाऊँ या बस 10-15 किलोमीटर बाकी रह जाए तो बात अलग है।
भगवान के हम पुजारी हैं। और भाई मैं अभी एक जैन तीर्थ मंदिर है वहाँ पे दर्शन के लिए आया हूँ, और ये मंदिर बंद था और माता श्री ने मंदिर खोल के दर्शन करवाए, जो कि आप कर सकते हैं ये। और एक बात कि जल्दी दर्शन करके मैं यहाँ से निकलता हूँ, ये अपने शिव जी, ये कौन सी माता, नांगली जी, और ये माता ओसिया माता जी, वो वहाँ पे लक्ष्मी जी कौन से, ये लक्ष्मी जी, हाँ ये गणपति जी, हाँ ये गणपति, गंगा मैया, गंगा मैया। चलो अभी शिव जी से माथा टेक के जल्दी से यहाँ से हम फिर आगे की यात्रा जो है वो स्टार्ट करते हैं। अच्छा हो तो दोस्तों एक बात कि कल रात को यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, लोग आज भी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो ऐसे तीर्थ ऐसे मंदिरों को भी नहीं छोड़ते। एक चोरी हो गई, यानी कि कम से कम 3-3.5 लाख की चोरी हो गई होगी, सही है मार, कम से कम 3-3.5 लाख की चोरी हुई है ये मंदिर में। क्या कर सकते हैं, ऐसे लोग भी आज भी है कि इस साले मंदिर भी नहीं छोड़ते। जो 5-5 पैसा जमा करके बाइक लाई थी वो भी लेके चले गए। कोई नहीं, वो ऊपर वाला सजा तो उनको मिल ही जाएगी। और चलिए मैं अभी आपको शनिदेव के दर्शन करवा लेता हूँ, फिर यहाँ से निकलता हूँ। ये शनि महाराज, शनिदेव, और ये हमारे हनुमान जी। देखो ये ताला भी तोड़ के निकल गए, निकाल के छोड़ के चले, निकाल के तीनों मंदिर में। हाँ तो यहाँ कैमरे नहीं है, ये क्या लगे हुए सब चालू है, कैमरे चालू है ना, तो वो फिर वो मुंह पे कुछ बांध रहा था, नहीं बांध रहा था, वो प्लास्टिक की थैली होती ना काली, हाँ हाँ, खाली आंखें आंखें खुली है बस, बाकी पूरा पैक है, और जैकेट पहनने को सब को व्हाइट कलर के, और काले काले इधर वो बाएं के ऊपर है। अरे रे, चलिए दोस्तों अभी हम यहाँ से आगे की यात्रा जो है वो स्टार्ट करते हैं, और अपना जयकारा यहीं पे महादेव के मंदिर पे और शनिदेव के मंदिर पे ही लगा लेते हैं। ओम नमः पार्वती पति हर हर महादेव, हर जय जय श्री राम। तो चलो यहाँ से आगे की यात्रा अभी मैं स्टार्ट कर देता हूँ। हाँ नहीं नहीं, जो भी जो हो रहा है इससे फिर क्या है कि ऊपर वाला कुछ अच्छा देने की सोच रहा है, बस ऐसा मान के अपना दुख जो है उसको हंस के जियो। बस पूजा सेवा महा ये शनिदेव की करते रहो, बाकी तो सबकी दुआएं लेके और सबकी प्रार्थना उधर जाके बताऊंगा। चलिए भाई मैं अलविदा लेता हूँ, जय राम जी की। चलो दीदी जय श्री राम, हर हर महादेव। पूना, मैं गुजरात से ही हूँ, सोमनाथ से 22 किलोमीटर मेरा गांव, वडोदरा जाला, वहाँ से मेरे गांव से सोमनाथ, सोमनाथ से सामान कैरी करके चलते हो यार। हाँ पहली बार जा रहे हो कैसे, बहुत फर्स्ट टाइम। चलो मिलते हैं आगे। उस मंदिर से तो अभी आगे निकल आए हम, और होटल में भी भाई वो मांगी भैया ने ऐसा स्वागत किया, मेरे को तो ये पता ही नहीं था कि वो लोग स्वागत करने वाले हैं, उन लोगों ने सब पहले अरेंज करके रखा था। और अभी पाली बाकी है 42, कि आप देख सकते हो 42 किलोमीटर। अभी मैं जो ये मंदिर पे गया था और वो माई बता रही थी कि चोरी हो गई,
भाई आज के टाइम में भी ऐसे लोग हैं जो ये मंदिरों को भी नहीं छोड़ते, अभी इसका क्या किया जाए? वो रो रही थी अंदर, थोड़ा मेरा भी मन भराया, अच्छा नहीं हुआ उनके साथ। भाई और कुछ मेरे गांव से, मेरे गांव की महिलाओं ने और मेरे समाज की महिलाओं ने अगल बगल के गांव से मेरे घर पे शिव धुन राम धुन वो रात को रखी थी, तो वहां से वीडियो आया है जो कि आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं। और अभी एक भैया मिले जो चाय के लिए पूछा, भैया क्या नाम है? महादेव। महादेव क्या नाम है आपका? विशन सिंह। विशन सिंह जो कि अभी बोले कि अभी चाय पी के आगे जाओ, यहाँ पे बैठिए। चलो भाई, अंकल ने चाय बनाई मस्त, पी के मजा आ गया। और विष्णु भाई चाय पीना लेके यहाँ बिठा दिया, मतलब कि मैं आगे बैठने वाला था लेकिन मिल गए। ये बजरंगबली का मंदिर भी है यहाँ पे, हनुमान जी का, और चाय पी के पूरा फ्रेश हो गया। तो आज का तो अभी ये कुछ 10 किलोमीटर में चल लिया होगा, 10 हाँ उतना हुआ होगा। और अभी 25 किलोमीटर काट के फिर कहीं आगे की कहीं पे सेटिंग किया है भैया ने, पता नहीं कहाँ है। आगे जाके मैं उसको फ़ोन करूँगा 4-5 बजे कि यहाँ पे रुकना है। चलो अभी यहाँ से विदाई लेते और आगे की यात्रा स्टार्ट करते हैं। चलिए श्याम भाई। महादेव महादेव हर। क्या नाम है आपका? योगेंद्र सिंह। योगेंद्र सिंह, अच्छा लगा मिलके भाई। आपका? अभय सिंह। अभय सिंह यहीं के ढोला शासन, ढोला शासन ही है ना ये अभी। हाँ 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 हाँ। चलो अभी आगे की यात्रा में स्टार्ट करता हूँ। ये जो अभी दोनों भाई आगे मिले थे, क्या नाम आपने बताया? योगेंद्र सिंह। योगेंद्र सिंह जो अभी आगे मिले थे, योगेंद्र सिंह वो अभी यहाँ पानी चाय पानी पी के मैं बैठा हूँ। और अभी आगे की यात्रा और आगे के जो रुकने का सेटिंग है वो अरेंजमेंट कर रहे हैं भाई। राजस्थान, राजस्थान वो गाँव वाले ना, पधारो हमारे देश, वो सही है, एक बार आके देखो भाई। अच्छा मतलब राजस्थान पता ही नहीं चलता कि मैं राजस्थान में अभी कितना किलोमीटर है ये, मैं अभी अंदर हूँगा गुजरात राजस्थान बॉर्डर से 200 से 250 किलोमीटर में अंदर हूँ, लेकिन लग नहीं रहा कि मैं 200 से 250 किलोमीटर अंदर हूँ, ऐसा ही लग रहा है कि मैं अपने वजन में ही हूँ। और ये तो होटल जहाँ पे अभी मैंने बस जस्ट चाय पी, और ये भैया अभी जो आप आगे हमको मिले थे, हम
चलिए, क्या नाम है आपका? नवीन। नवीन भाई आप? राजू भाई। राजू भाई, प्रॉपर राजस्थान? जोधपुर से हो? हाँ हाँ हाँ, जोधपुर से। तो वो तो साइड पे रह गया ना, जोधपुर। जोधपुर तो उधर रह जाएगा, ये साइड। हाँ हाँ, आप सीधे जाओगे? मैं सीधा ये पाली से मैं जाऊँगा ब्यावर। ब्यावर से अजमेर, अजमेर से जयपुर, जयपुर से मैं निकलूँगा। हाँ हाँ, चलिए भाई। ओके, थैंक यू। जय श्री राम, जय भोलेनाथ। तो दोस्तों, मैं अभी एक आश्रम पे रुकने वाला हूँ, जो कि ये हाईवे पे ही है। एक भैया मेरे को मिल गए, उन्होंने बोला कि अभी आगे जाने से बेटर है कि यहीं पे तुम रुक जाओ, आश्रम भी बढ़िया है और बाबा के पास रहो। तो आज की नाइट मेरी बाबा के पास है और वो आश्रम सामने है, जो कि मैं अभी वहाँ पे जा रहा हूँ। अंधेरे में अभी तो कुछ दिखाई नहीं देगा। तो मैं अभी वहाँ पे जा रहा हूँ और जगह अच्छी है, संत महात्मा है, उनके साथ आज की नाइट में रहूँगा। और ये भैया, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम रमेश माली है। और ये जिला पाली। रमेश भाई ने मेरे को रास्ते में देखा और बोला कि तुम आ गया हो, स्वागत भी करना है। और फिर मैं जब यहाँ पहुँचा, थोड़ा लेट हो गया, नाइट हो गई, और फिर यहाँ मिलके बोले कि अभी आगे जाने से बेटर है। अभी 2 किलोमीटर मेरे को और चलना था, लेकिन अभी नहीं चलूँगा, ये आश्रम पे ही मैं रुकूँगा और सुबह यहाँ से मैं पाली के लिए रवाना होऊँगा। तो चलिए दोस्तों, इसी वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। आप लोगों का साथ और सर पे महादेव का हाथ। हर हर महादेव। जय जय सियाराम। जय जय सियाराम।